नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की टॉप बड़ी इकोनॉमीज कौन कौन सी है, भारत देश में सबसे बड़े बड़े राज्य कौन से हैं और उनकी इकोनॉमी क्या है, उसके बारे में बात करने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, इस क्लिप को आप ज़रूर देखिए। और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तुमको और ज्यादा अच्छा लगता है। आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टंबल भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और यह मोदी की गारंटी है। जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे कहते हैं, तो हमारे विपक्ष में बैठे कुछ साथी कैसा कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं इसमें क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगा। क्या कमाल है आप लोगों की, मोदी का क्या है, ये तो अपने आप हो जाएगी। मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को भी मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था, उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है। जब आप लोग कहते हैं ना ये तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स GDP इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या मिला। फिर आगे कहते हैं, देयर इज ए वेल आर्ग्यूड व्यू दैट इन द नेक्स्ट थ्री डेकेड्स India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल
विजन क्या देखते हैं, तो ये 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद, ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा। इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे, मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे, मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बहुत और बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा तो है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं, सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो अलग 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 लेवल पे अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, कोई कामगार है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, कोई किसान है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, कोई मजदूर है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, कोई रेडी वाला है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, स्टूडेंट है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, जो सर्विस क्लास है वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। ये सब मिलके भारत की इकोनॉमी है और ये सब मिलके भारत को एक नई ऊंचाई पे लेके जा चुके हैं। पूरे भारत के मिले जुले एफर्ट, पूरे हिम्मत और मेहनत के कारण भारत आज 5वें नंबर की वर्ल्ड में इकोनॉमी बन गई है। लेकिन हमारे से ऊपर भी कुछ इकोनॉमी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और हमारे नीचे भी कुछ इकोनॉमी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी है $26,994 बिलियन। उसके बाद है चाइना, जिसकी इकोनॉमी है $17,786 बिलियन। जर्मनी, जिसकी इकोनॉमी है $4,430 बिलियन। उसके बाद आता है जापान, जिसकी इकोनॉमी है $4,231 बिलियन की। उसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत, जिसकी इकोनॉमी $3,730 बिलियन की है। उसके बाद आता है यूके, जो कि $3,332 बिलियन की इकोनॉमी है। फिर आता है फ्रांस, जिसकी $3,052 बिलियन की इकोनॉमी है। फिर आता है इटली, $2,190 बिलियन। फिर आता है ब्राज़ील, जिसका इकोनॉमी है $2,132 बिलियन। और उसके बाद 10वें नंबर पे आता है, वो है कनाडा, जो कि $2,122 बिलियन। जी हाँ, इस तरीके से ये वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी और मेजर इकोनॉमीज है। ये तो था कि हम भारत आज हम 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भारत के अंदर भी 34 अलग अलग राज्य हैं। जी हाँ, अलग अलग राज्य हैं, उनकी भी अपनी इकोनॉमी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, अभी हम उस इकोनॉमी के बारे में बात करना है कि पहले 10 पायदान में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं। तो 10वें नंबर पे अभी जो है वो मध्य प्रदेश, जो कि 13.87 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। फिर आता है तेलंगाना, जो कि 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जो कि 14.49 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। फिर आता है राजस्थान, राजस्थान जो कि 15.7 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। छठवें नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, जो कि 17.19 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। पांचवें नंबर पे आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि 24.39 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। फिर आता है कर्नाटका, जो कि चौथे नंबर पे है, वो है 25 लाख करोड़ की इकोनॉमी। जो गुजरात है वो 25.62 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। फिर तमिलनाडु आता है, जो कि दूसरे नंबर पे है, वो 28.3 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। और सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र 38.79 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। तो ये 1 से 10 के बीच की सारी इकोनॉमी है, जो कि अलग अलग स्टेट्स की हैं। तो दोस्तों, आपने अपने स्टेट्स के बारे में, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका नाम यहाँ पे आया ही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताना है कि आपके स्टेट की इकोनॉमी कितने की है। इसमें पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सब मिला के एक पूरा भारत है। हाँ, पर अपने अपने अलग अलग जगह पे आज मैंने इतना, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर पे भी कहते हैं कि आज मैंने इतना पैसा, इस महीने मेरी सैलरी है, उस महीने मेरी सैलरी है, उस महीने मेरी सैलरी है। इस तरीके से स्टेट भी अपने अपने तरीके में एक आइडेंटिटी की तरह अगर आप सोचें तो उसकी इकोनॉमी इतनी है। और ये सब मिला के एक पूरा घर जो भारत है, वो भारत की एक कंप्लीट इकोनॉमी को दर्शाता है।
तो ये था दोस्तों पूरा भारत का इकोनॉमी, ये था वर्ल्ड में हम किस तरीके से हैं। इसी के साथ सबको नमस्कार और धन्यवाद। मेरे बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो फाइनेंस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।